नमस्कार, ये मुनक्का है और अंगूर को सुखा के इसको बनाया जाता है। इसे दाख के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारी बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। ये हमारे जब वात पित्त कफ तीनों दोष बढ़ जाते हैं, उनको संतुलित मात्रा में लाने का काम भी ये करता है। इसकी तासीर, अगर हम मैं सूखा खाऊं तो इसकी तासीर गर्म होती है, अगर मैं इसको रात को पानी में भिगो के खाऊं तो इसकी तासीर ठंडी हो जाती है, इसको दूध में पका के खाऊं तो भी इसकी तासीर गर्म होती है। किस बीमारी में आपको दूध में पका के लेना चाहिए, किस बीमारी में भिगो के खाना है, किस बीमारी में काढ़ा बना के खाना है, किस बीमारी में सूखा खाना है, इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। मुनक्का जब भी खाई जाती है, इसके अंदर बीज निकलते हैं, उस बीज को खास तौर पे निकाल के फेंक देना होता है। किसी में एक बीज, किसी में दो बीज, इसमें ज्यादातर देखिए इसमें दो बीज निकले हैं। तो जब भी खाएं तो कृपया करके इन बीजों को फेंक दें। इन बीज का कोई रोल नहीं होता, ना ही ये पचते हैं अंदर, इसीलिए इन बीजों को फेंक दें। जब भी बिना इसके फेंके आप मुनक्के का इस्तेमाल मत करें। इसकी मात्रा बता देता हूँ, इसकी मात्रा 5 से 10 पीस आप सुबह, 5 से 10 पीस आप शाम को इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। किस समय इसका इस्तेमाल करना चाहिए, कुछ बीमारियों में इसका इस्तेमाल सुबह खाली पेट किया जाता है, ज़्यादातर बीमारियों में सुबह शाम इसका इस्तेमाल किया जाता है, कुछ बीमारियों में सुबह दोपहर शाम इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम उचित मात्रा में लेंगे तो कभी इसका कोई नुकसान नहीं है, ना ही इसकी कोई आदत पड़ती है। ज़्यादातर बीमारियों में 1 महीने में ही ये बीमारी को दूर कर देता है, मगर कुछ पुरानी बीमारियों में 3 महीने तक का समय लग जाता है उस बीमारी को ठीक करने में। तो इसका इस्तेमाल 1 से 3 महीने तक करेंगे तो आपकी पूर्ण रूप से बीमारी दूर हो जाएगी। बहुत से लोग ये पूछते हैं, जिसको खाने का सही तरीका क्या है। खाने का सही तरीका बीमारी के अनुसार होता है, कौन सी बीमारी में भिगो के खाना है, कौन सी बीमारी में सूखा खाना है, कौन सी बीमारी में आपने काढ़े के रूप में इस्तेमाल करना है, दूध में पका के लेना है। मगर पित्त प्रकृति वाले ज़्यादातर इसको भिगो के इस्तेमाल करें। अब बहुत से लोगों का ये सवाल होता है, जी हम मुनक्का रात को पानी में भिगोते हैं तो उसके गुण भी आ जाते हैं उस पानी में, तो मुनक्का खाने के बाद क्या हम वो पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ जी, आप उसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। जिन लोगों को शरीर में एनीमिया की शिकायत है, एनीमिया की शिकायत में चेहरे की त्वचा, शरीर की त्वचा पीली और सफ़ेद नज़र आती है और शरीर में कमजोरी बढ़ती चली जाती है, जरा सा काम करते हैं थकावट और सांस फूल जाती है, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि आप मुनक्का 5 से 10 पीस रात को पानी में भिगो दें, सुबह उठ के खाली पेट बीज को निकाल के फेंक दें और उस मुनक्का को चबा के इस्तेमाल करने से एनीमिया की शिकायत आपकी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। जिन लोगों को बार बार गले में दिक्कत होती है, गले में फेरेंजाइटिस से परेशान है, गले में टोन्सिलाइटिस से परेशान है, बार बार परेशान हो जाते हैं, गले में खराश इन्फेक्शन बार बार हो जाता है, उन लोगों को कहना चाहूँगा 5 से 10 मुनक्का लेके 1 कप पानी में डाल के अच्छे से उबाले। उबल उबल के जब पानी आधा कप रह जाए उसे नीचे उतार के छान के उसमें हल्का सा सेंधा नमक स्वाद अनुसार डाल के चाय की तरह पीने से बहुत जल्द गले की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाती है, और ऐसा आप दिन में 2 बार इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। जिन लोगों का शरीर वात प्रकृति के और खान पान गलत होने के कारण, रहन सहन गलत होने के कारण वात उनका बढ़ जाता है, दोष में बदल जाता है और पेट में भारीपन, शरीर में जगह जगह दर्दों की शिकायत हो जाती है, उन लोगों को कहना चाहूँगा मुनक्का 5 से 10 पीस 1 कप पानी में डाल के अच्छे से उबालें। उबल उबल के पानी आधा कप रह जाए, छान के उस पानी को स्वाद अनुसार उसमें आप देसी खांड मिला के या शहद मिला के, दोनों में से कोई एक चीज़ मिला के सुबह शाम इसका इस्तेमाल इसी तरीके से करेंगे तो बहुत जल्द आपका जो बढ़ा हुआ वात दोष है संतुलित मात्रा में आके वात प्रकृति में बदल जाएगा और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। जिन लोगों को पेशाब करते समय पेशाब में जलन महसूस होती है, पेशाब में रुकावट महसूस होती है और बहुत परेशान होते हैं, ऐसे में मुनक्का 5 से 10 पीस 1 गिलास पानी में डाल के ढक्कन ढक के रात को छोड़ दे, सुबह उठे उस पानी को छान के और मुनक्का निकाल के बीज निकाल के फेंक दे और उस मुनक्का को चबा के ऊपर से वो पानी पी जाएं। इससे क्या होगा, उनके मूत्र पथ में संक्रमण व सूजन की शिकायत हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और पेशाब खुल के आएगा, पेशाब में जलन रुकावट की शिकायत भी नहीं होगी और UTI इन्फेक्शन, जिनको कहते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बार बार होता रहता है, उन लोगों के लिए भिगो के मुनक्का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। जिन लोगों का शरीर पित्त प्रकृति वाला है, हमेशा गर्मी बनी रहती है पेट में, अगर ऐसे लोग
खान पान गलत रखते हैं, रहन सहन गलत रहता है उनका, तो उनका पित्त बढ़ जाता है, दोष में बदल जाता है, पेट में गर्मी हमेशा तंग करती है, हाथों पैरों में जलन, शरीर में त्वचा रोग की शिकायत, खारिश की शिकायत तंग करती है, तेजाब वगैरह तंग करता है। ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा कि आप परेशान मत हो, 5 से 10 पीस मुनक्का लेके 1 गिलास पानी में डाल के ढक्कन ढक के रात को छोड़ दें, सुबह उठें उस पानी को फेंक दें और अपना मुनक्का गुठली निकाल के वो भी फेंक दें और मुनक्का खाली पेट चबा जाएं और 1 घंटे तक कुछ खाएं पिए ना। इससे बहुत जल्द आपके जो पेट की जरूरत से ज़्यादा मात्रा में गर्मी है या पित्त दोष आपका बढ़ गया है वो वापस आपका नॉर्मल प्राकृतिक रूप में बदल जाएगा और पित्त प्रकृति में पूरी तरह से संतुलित मात्रा में रहेगा और आप पूर्ण रूप से बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। जिन लोगों का शरीर कफ प्रकृति का है और उनका कफ रहन सहन खान पान के कारण कफ बढ़ गया है और दोष में बदल गया, गले में, फेफड़ों में बलगम बनी रहती है, शरीर में कमजोरी बनी रहती है, हड्डियों में लचीलापन बना रहता है, ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा 5 से 10 पीस मुनक्का लेके 1 कप पानी में डाल के अच्छे से उबालें। उबल उबल के पानी आधा कप रह जाए उसे नीचे उतार के छान के उसमें शहद मिला के आप सुबह शाम इस्तेमाल करेंगे तो आपका बढ़ा हुआ कफ दोष संतुलित मात्रा में आके पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाओगे और आप कभी भी आपका कफ दोष आपका नहीं बढ़ेगा। जिन पुरुषों का वीर्य कम मात्रा में बनता है या वीर्य में पतलापन रहता है ऐसे पुरुषों को कहना चाहूँगा कि मुनक्का 5 से 10 पीस रात को पानी में भिगो के सुबह खाली पेट खाना आपके लिए बहुत फायदेमंद है। बहुत जल्द वीर्य ज़्यादा मात्रा में बनता है और उसमें गाढ़ापन भी बढ़ जाता है। जिन लोगों का मुंह सूखता है, हाथों पैरों से भड़क निकलती है, पसीना ज़्यादा आता है, घबराहट हमेशा बनी रहती है, ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा आपके लिए मुनक्का रात को पानी में भिगो के सुबह खाली पेट 5 से 10 पीस इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद है। भिगो के खाना है आपने, वैसे नहीं खाना है। जिन लोगों के शरीर में ऊर्जा की कमी बनी हुई रहती है, हमेशा थकान महसूस करते हैं, कमजोरी सी महसूस करते हैं, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि मुनक्का 5 से 10 पीस रात को पानी में भिगो दें, सुबह रोजाना उठ के उस मुनक्का के बीज को निकाल के फेंक दें और मुनक्का चबा के ऊपर से वो पानी पी जाएं। इससे बहुत जल्द आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ जाएगी और शरीर का वजन भी बढ़ जाएगा और शरीर में ताकत भी बढ़ जाएगी। जो लोग ये चाहते हैं कि उनके शरीर का वजन ना बढ़े तो वो मुनक्का का जो पानी है उसको ना पिए, सिर्फ मुनक्का को खा लें और चबा चबा के खाएं तो उनका वजन नहीं बढ़ेगा मगर उनके शरीर में ताकत और ऊर्जा बनी रहेगी। जो लोग अस्थमा एलर्जी से परेशान है, मौसम बदलता है तब सांस की दिक्कत तंग करती है, धूल धुएं में सांस की दिक्कत तंग करती है, टेंशन ज़्यादा लेते हैं तब उनको दिक्कत होती है, ज़्यादा काम करते हैं तब उनको दिक्कत होती है, ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा 5 से 10 पीस मुनक्का 1 कप पानी में डाल के उसे अच्छे से उबालें। उबल उबल के पानी जब आधा कप रह जाए उसे नीचे उतार के छान लें और उसमें स्वाद अनुसार शहद मिला के रोजाना दिन में 2 बार इस्तेमाल करने से बहुत जल्द अस्थमा की शिकायत दूर हो जाती है। जो लोग कब्ज से परेशान रहते हैं, आज के समय में छोटे बच्चे, बड़े लोग, ज़्यादातर लोग कब्ज से परेशान रहते हैं, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि 1 गिलास दूध लेके उसमें 5 से 10 मुनक्का बीज निकाल के फेंक दें और मुनक्का को डाल के अच्छे से उबालें। उबल जाए जब नीचे उतार के उस मुनक्का को छान के पहले मुनक्का चबा लें, ऊपर से वो दूध पी जाएं। ऐसा करने से कब्ज की शिकायत हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और ऐसा आपने शाम के समय रोजाना 1 दिन में 1 बार करना है। इस तरह करने से अंतड़ियों में खुश्की खत्म हो जाती है, अंतड़ियों को ताकत मिलती है और कब्ज की शिकायत हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। जो लोग पीलिए से परेशान है, पीलिए में ये आँखों का जो सफ़ेद भाग है वो पीला नज़र आता है, चेहरे की त्वचा पीली आती है, मूत्र जो आता है पेशाब जिसे कहते हैं वो पीले रंग का आता है, चेहरे की त्वचा, शरीर की त्वचा पीली हो जाती है, नाखून पीले हो जाते हैं, शरीर में कमजोरी और सांस फूलने की शिकायत तंग करती है, पेट का पाचन तंत्र भी खराब हो जाता है, कई लोगों को उल्टी और बुखार की शिकायत भी तंग करती है, उन लोगों को कहना चाहूँगा 5 से 10 पीस मुनक्का रात को पानी में भिगो के सुबह उस मुनक्का को बीज निकाल के फेंक दे और उस मुनक्का को रोजाना खाली पेट चबा के इस्तेमाल करें। बहुत जल्द 2 से 3 दिन या 4 दिन में ही पीलिए की शिकायत हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। जो लोग हमेशा दस्त से परेशान रहते हैं, आमाशय में, आंतड़ियों में बार बार इन्फेक्शन होता रहता है, उन लोगों को कहना चाहूँगा, या जिनको संग्रहणी की शिकायत है, IBS जिसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, जिनसे उनकी आंतड़ियाँ काम ठीक ढंग से नहीं करती, उन लोगों को कहना चाहूँगा
5 से 10 मुनक्का पानी में रात को भिगो दे, सवेरे उठ के उसमें से मुनक्का में से बीज निकाल के फेंक दे और मुनक्का को चबा के ऊपर से आपने दही की लस्सी बना के पीनी है। दही में वही पानी डालना है जो आपने भिगोया था, मुनक्का जिसमें भिगोया था वही पानी दही में डाल के उसका बेट के लस्सी बना लें और ऊपर से वही लस्सी पिए। ऐसा दिन में 2 बार करना है, सुबह और दोपहर को। लगातार दिन में 2 बार करने से बहुत जल्द आपके आमाशय और आंतड़ियों को ताकत मिलेगा और आप बहुत जल्द ठीक भी हो जाओगे। ऐसा और कौन कर सकता है ये भी बताया, तो जिनको आमाशय में आंतों में अल्सर की शिकायत है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें थोड़ा देसी खांड भी वो मिला के या धागे वाली मिश्री का पाउडर भी मिला के इस्तेमाल करेंगे तो बहुत जल्द आराम मिलेगा, मगर वो भिगो के ही इस्तेमाल करें, सूखी इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। जो लोग बवासीर से परेशान है, खूनी बवासीर, बादी बवासीर, एनल फिशर से परेशान है, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि 5 से 10 पीस मुनक्का लेके उनका बीज निकाल के फेंक दें और रात को पानी में ढक्कन ढक के छोड़ दें, भिगो के सुबह उठें उस जो भीगी हुई मुनक्का है उसको खा लें, ऊपर से वो पानी पी जाएं। ऐसा करने से बवासीर की शिकायत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बवासीर की शिकायत ज़्यादातर जो हमारे गुदा द्वार में है वहाँ पे मल रुकने के कारण होती है और गर्मी के कारण होती है, खुश्की के कारण होती है। तो ये गर्मी और खुश्की दोनों को ख़त्म कर देता है, जिससे बवासीर और फिशर की दिक्कत हमेशा के लिए चली जाती है। जिन लोगों को टीवी की शिकायत है, उनका दिन प्रतिदिन वजन कम होता चला जा रहा है, टीवी की शिकायत कहीं भी हो सकती है, शरीर में धातुओं में हो सकती है, शरीर में अंगों में हो जाती है, ज़्यादातर लोगों को आंतों में और हड्डियों में, फेफड़ों में पाई जाती है, महिलाओं को बच्चेदानी में भी पाई जाती है, तो कहीं भी अगर आपको टीवी की शिकायत है, मुनक्का कैसे इस्तेमाल करेंगे मैं ये बता देता हूँ। 1 गिलास दूध में 5 से 10 पीस मुनक्का लेके उसका बीज निकाल के फेंक दे और वो मुनक्का उस दूध में डाल के उसे अच्छे से उबाले। उबलते समय 5 से 10 तिनके आपने केसर के डालने हैं, वो डाल के इन दोनों चीज़ों को अच्छे से उबालें और उसके बाद वही दूध पिए और मुनक्का चबा के खाएं। ऐसा करने से टीवी की शिकायत बहुत जल्द ठीक हो जाती है। जिन लोगों को बार बार सर्दी जुकाम तंग करता है, नज़ले की शिकायत तंग करती है, सर्द गर्म बार बार हो जाता है, साइनस एलर्जी से परेशान है, उन लोगों को कहना चाहूँगा 5 से 10 पीस आप मुनक्का लेके उसका बीज निकाल के फेंक दें और वो मुनक्का बीज के बिना उस 1 कप पानी में डाल के अच्छे से उबाले। उबल उबल के पानी जब आधा कप रह जाए उसे नीचे उतार के और मुनक्का खा जाए, ऊपर से वो पानी जो काढ़ा सा बना हुआ है उस पानी को धीरे धीरे चाय की तरह पिए। इससे क्या होगा, आपके शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली बढ़ जाएगी और सबसे बड़ी बात, आपको जो एलर्जी के कारण, सर्द गर्म के कारण या साइनस के कारण आपको कफ इकट्ठा हो जाता है, सर्दी जुकाम बार बार तंग करता है, उसकी शिकायत हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। जो लोग दांत की समस्या से परेशान है, बड़े लोगों के दांत घुरने लग जाते हैं, दांत सड़ने लग जाते हैं, छोटे बच्चों के दांत नहीं निकलते समय से, तो ऐसे में क्या करना है, मुनक्का लेना है और उसे बीज निकाल के फेंक देना है। छोटे बच्चों को 2 से 3 पीस और बड़े बच्चों को 5 से 10 पीस दूध में डाल के अच्छे से पकाएं और जब अच्छे से उबल जाए उसे छान के पहले मुनक्का खा जाएं, ऊपर से वो दूध पी जाएं। ऐसा करने से दांतों में अच्छी मात्रा में ताकत आ जाती है और दांत भुरने बंद हो जाते हैं और समय से पहले ही दांत निकल आते हैं और उसमें किसी प्रकार का विकार भी उत्पन्न नहीं होता। जैसे कहते हैं ना, बच्चों के दांत निकलते समय दस्त और उल्टी और बुखार की समस्या तंग करती है, क्योंकि दांत जब निकलते हैं तो उसमें से एक रस निकलता है जो बच्चा निगल लेता है और उससे इन्फेक्शन होता है, दस्त की शिकायत, उल्टी की शिकायत तंग करती है, तो वो समस्या नहीं रहती है। तो कहने का मतलब सभी इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। अब जिन लोगों की हड्डियाँ कमज़ोर हैं, हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत है, कैल्शियम की कमी है, इसके अंदर अच्छी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, उन लोगों को कहना चाहूंगा दूध में उबाल के मुनक्का सुबह शाम इस्तेमाल करने से बहुत जल्द हड्डियों की कमजोरी और ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस की शिकायत बहुत जल्द पूर्ण रूप से चली जाती है। जो लोग खांसी से परेशान रहते हैं, बलगमी खांसी है, सूखी खांसी है, उन लोगों को कहना चाहूंगा कि 1 कप पानी में मुनक्का 4 से 5 पीस डाल के अच्छे से उबाले। उबल उबल के पानी आधा कप रह जाए उसे नीचे उतार के छान के उस पानी को पीना है और मुनक्का चबा के खाना है, उसका बीज निकाल के फेंक देना है, उससे खांसी की शिकायत हमेशा के लिए दूर हो जाती है। जिन लोगों को नींद नहीं आती है, मस्तिष्क में तरह तरह के विकार हैं, चिंता ज़्यादा होती है, टेंशन ज़्यादा रहती है, डिप्रेशन की शिकायत रहती है, उन लोगों को कहना चाहूँगा रात को मुनक्का पानी में भिगो के छोड़ दें, सुबह मुनक्का उस पानी में से निकाल के
बीज निकाल के फेंक दें, उस मुनक्का को चबा के खाएं। और ऊपर से गाय का दूध इस्तेमाल करने से बहुत जल्द मस्तिष्क के विकार दूर हो जाते हैं, चिंता, टेंशन, डिप्रेशन दूर होता है और अच्छी गहरी नींद आती है। जो लोग शरीर का वजन बढ़ाना चाहते हैं उन लोगों को कहना चाहूँगा, छुआरे 3-4 पीस लें, उसकी गुठली निकाल के फेंक दें। मुनक्का 5 से 10 पीस लें, उसकी गुठली निकाल के फेंक दें। और ये दोनों चीज़ें 1 गिलास दूध में अच्छे से पका लें, और पका के आप रात को सोने से 2 घंटा पहले इसका इस्तेमाल रोजाना एक दिन में एक बार करना शुरू कर दें। बहुत जल्द आपके शरीर का वजन भी बढ़ जाएगा और शरीर में ताकत भी आएगी। जिन लोगों की नज़र कमज़ोर है या मोतियाबिंद की शिकायत है, उन लोगों को कहना चाहूँगा 5 से 10 पीस मुनक्का लेके उनका बीज निकाल के फेंक दें, और बिना बीज वाले मुनक्का को 1 गिलास पानी में डाल के ढक्कन ढक के रात को छोड़ दें। सुबह उस मुनक्का को अच्छे से चबा के खाएं, ऊपर से वो पानी पी जाएं। इससे आँखों की रोशनी भी बढ़ती है और मोतियाबिंद की शिकायत भी दूर होती है। जिन लोगों को बार बार पिंपल्स निकलते रहते हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ झाइयाँ तंग करती हैं, उन लोगों को कहना चाहूँगा 5 से 10 पीस मुनक्का लेके उनका बीज निकाल के फेंक दे। वो मुनक्का रात को पानी में 1 गिलास पानी में भिगो के ढक्कन ढक के छोड़ दें। सुबेरे उठें, उस मुनक्का को खा लें, ऊपर से वो पानी पी जाएं। ऐसा करने से बहुत जल्द आपके पिंपल्स की शिकायत, झुर्रियों झाइयों की शिकायत हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। जिन लोगों के बाल झड़ते हैं, बालों में डैंड्रफ की शिकायत बहुत ज़्यादा है, उन लोगों को कहना चाहूँगा 5 से 10 पीस मुनक्का लेके बीज निकाल के फेंक दें। और बीज निकली हुई जो मुनक्का है वो मुनक्का आप 1 गिलास पानी में भिगो के ढक्कन ढक के छोड़ दें। सुबह उस मुनक्का को लेके चबाएं और ऊपर से वो भीगा हुआ जो पानी जो हमने भिगोया था जिसमें, वो पानी ऊपर से पी जाएं। ऐसा करने से बहुत जल्द बाल झड़ने की समस्या दूर हो जाती है और बालों में डैंड्रफ की शिकायत भी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। जो लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, कभी कुछ बीमारी कभी कुछ बीमारी होती है, उन लोगों को कहना चाहूँगा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रात को पानी में 5 से 10 पीस मुनक्का भिगो के सुबह खाली पेट खाना आपके लिए बहुत फायदेमंद है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली बढ़ जाती है और कभी भी ये गर्मी नहीं करता है, और हमेशा शरीर बैक्टीरिया, वायरस या फंगस के इन्फेक्शन से बचा हुआ रहता है और शरीर ज़्यादातर निरोग ही रहता है। जिन लोगों की पाचन शक्ति कमज़ोर है, कुछ भी खाते मल त्याग करने जाना पड़ता है, दिन में 3 से 4 बार जाते हैं, दिन प्रतिदिन शरीर में कमजोरी आ रही है और खाना भी खाया पिया शरीर में लगता नहीं है, उन लोगों को कहना चाहूँगा 5 से 10 पीस मुनक्का लेके उसका बीज निकाल के फेंक दे। वो मुनक्का आप रात को पानी में भिगो के ढक्कन ढक के छोड़ दें। सुबह उठे उस मुनक्का को चबाएं, ऊपर से वो पानी पी जाए। इससे क्या होगा, आपकी पाचन शक्ति बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, शरीर में ताकत भी बनेगी और आप जो भी कुछ खाएंगे खाया पिया लगेगा। और पूरे दिन में बस एक ही बार आपको मल त्याग करने जाना पड़ेगा। मुनक्का के मैंने आपको इतने सारे फायदे बता दिए, तो इसके कुछ नुकसान भी है। एक तो इसको ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल मत करें, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करेंगे तो ये नुकसान करेगा, आपको 2 से 3 बार दस्त के लिए जाना पड़ेगा। दूसरा, जो भी पित्त प्रकृति के व्यक्ति हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, रात को पानी में भिगो के सुबह इस्तेमाल करके देखें। अगर उनको सूट कर जाए तो वो आगे इस्तेमाल करते रहे, अगर उनको सूट नहीं करता तो वो आगे इसका इस्तेमाल बंद कर दे। जिन लोगों का शुगर बढ़ा हुआ है वो लोग इसका इस्तेमाल मत करें, उनके लिए नुकसानदायक है। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल में खास तौर पे ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, उन लोगों के लिए मुनक्का का इस्तेमाल खास तौर पे कहूंगा नहीं करना चाहिए। और आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूं। धन्यवाद।